नमस्कार साथियों, आज पुनः आपके लिए सुपारी से संबंधित जानकारी लेकर हाजिर है। सुपारी जिसे कि उगफल, बीटल नट या एरेका कटेचू कहा जाता है, इसके गुण देखें तो यह मोहक, स्वादिष्ट, कसैली, भारी, त्रिदोष, मल, वात, कफ को दूर करने वाली, नर्व्स को बल देती है, मेंसेस पीरियड को रेगुलराइज करती है। जो सुपारी का चूर्ण रहता है यदि उसके द्वारा मंजन करते हैं तो मसूड़ों से आने वाला खून रुक जाता है। जिन लोगों के पेट में टेपवर्म डेवलप हो गए हैं उन्हें यदि हम सुपारी का चूर्ण देते हैं तो वह टेपवर्म मर जाते हैं। वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए सुपारी, हल्दी दोनों समान मात्रा में लेकर शक्कर मिलाकर दे दीजिए। मुँह में छाले हो गए हैं तब सुपारी और बड़ी इलायची की भस्म, इनको पीस कर एक सा पाउडर बना लें और छालों पर लगा लें। जिन लोगों को अनावश्यक डकारें आती हैं तो वे लोग चिकनी सुपारी का चूर्ण छाछ में पीस कर चटनी की तरह बनाकर रख लें और 5-5 ग्राम तक सुबह छाछ के साथ लेते रहें। सुपारी की इस तरह की सिंपल और बहुउपयोगी जानकारी हासिल कर आप इसका पूरा फायदा उठाएं और इस तरह की नया जानकारियों को हासिल करते रहना चाह रहे हैं तो इस लिंक पर बने रहिए। जिन लोगों ने लिंक पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।